हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग साथ ये वाला जो इयररिंग बनाना शेयर करूंगी। सो इसको कैसे बनाना है आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस इयररिंग्स को बनाने के लिए आपको थोड़ा गोल्डन चेन चाहिए, पर्ल्स और जो है जेमरिंग्स और एंकल चाहिए, ठीक है। और जो है इस चेन को जो है हम लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट वाला जो मैंने बना के पहले से रखा हुआ है, उसी तरह आपको इसको जो है छोटा बड़ा में जो है कट करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा, जितना आपको लंबा चाहिए आप उतना लंबा, और जितना आपको छोटा चाहिए उतना छोटा आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है इसको पहले मोती को जो है हम लोग को पिन में डाल के उसको लॉक करना होगा। उसके बाद जो है इस तरह से आप देख रहे हो, सेम इसी तरह से आप आपको प्रोसेस करना है। बहुत ही इजी स्टेप है। तो इस तरह से आपको साइज देख के हिसाब से आपको कट कर देना है, उसके बाद उसको कर्व कर देना है, ताकि जो है मोती में जो हम लोग जो जेमरिंग्स उसमें लगा सके अच्छी तरह से, वो फंस जाए, निकले ना। इस तरह से हम देखेंगे तो ये बन जब जाएगा ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने के बाद। तो इस तरह से हम इसको लगा के उसका पूरा लॉक कर देंगे अच्छी तरह से। मैंने थोड़ा ओपन ही रखा था उसको लॉक करने के लिए, मैं बार बार भूल भी जाती हूँ कभी कभी और लॉक कर देती हूँ, ठीक है। और इस तरह से हम दूसरे मोती भी बना लेंगे। इस तरह से एक दोनों मोती हम लोगों ने बना लिया है। अब इसको जो है ओपन करके हमें जो है चेन में डालना होगा, ठीक है। इतना छोटा छोटा होता है ना कि पकड़ने में बनता ही नहीं है, तो थोड़ी परेशानी हो ही जाती है, बट कोई नहीं, जब बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हमें जेम्ब्रेंस को लगा के इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना है। ये एक रेडी हो गया है। अब इस तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा भी रेडी हो चुका है गाइज। अब इसे हम जो है उसमें लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये जो है ना, तो इयरिंग्स जो है पहनने में तभी तो बनेगा ना, इसमें लगाएंगे तब तो। ये ओपन नहीं हो रहा है इसका लॉक, तो हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, कुछ दूसरा ओपन करके देखते हैं कि वो अगर ओपन होगा तभी हम उसमें इंसर्ट कर सकेंगे ना। इस तरह से ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है। अब इसमें जो है हम चेन फिर से डाल देंगे, कोई सा भी आप पहले डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप छोटा डालो चाहे बड़ा, आप कोई सा भी डाल सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने डाल दिया। अब इसको जो इसको भी अच्छी तरह से आपको लॉक कर देना है ताकि ये निकले ना, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से लॉक हो चुका है और रेडी हो चुका है। देखा आप लोगों ने कितना सुंदर इयररिंग्स रेडी हो चुका है, बस 5 मिनट भी नहीं लगे इसे बनाने के लिए, और जो है बहुत ही अच्छा सा इयररिंग्स बन चुका है। आप इसे 3 लेयर में बना सकते हो, गोल्डन सिल्वर, जो कलर आपको अच्छा लगेगा आप वही कलर में बना सकते हो। गाइज, आज का ये मेरा रिव्यू, सॉरी सो गाइज, आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा इयररिंग कैसी लगी।